सांस भी ऐसे ही हमें गुस्साए हुए एकदम, मतलब उन लोग दहेज के प्रति बहुत ही ज्यादा एकदम कहते हैं ना पैसा का भूख है उस टाइप से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि दहेज प्रथा लगभग खत्म हो जानी चाहिए, लड़कों को दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन बिहार में दहेज के लिए हर दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। बिहार के नवादा में पति ने कार की डिमांड की और डिमांड पूरी नहीं हुई तो पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। नवादा नगर थाना क्षेत्र के गढ़ पर मोहल्ले में एक विवाहिता काजल दहेज प्रताड़ना का दंश झेल रही है। दहेज लोभियों के द्वारा कार की डिमांड पूरी नहीं हुई तो ससुराल वालों ने विवाहिता को घर से बेघर कर दिया। पत्नी अपने परिजन के साथ ससुराल की दहलीज पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता काजल ने बताया कि शादी के 8 महीने ही हुए हैं और जब से शादी हुई है तब से ससुराल वाले कार और अन्य चीजों की मांग को लेकर के उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और अब जब कार मांगा गया और काजल कार की डिमांड को पूरा नहीं कर पाई तो उसे घर से बाहर कर दिया गया है। अब वो अपने परिवार के साथ अपने पति के दरवाजे पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रही है। दहेज तुमको फोर व्हीलर पापा को देना होगा, पलंग देना होगा, ये सब नहीं देंगे तो ऐसे ही सिर्फ शादी कर दिए पापा। मैंने नहीं, मेरा घर बन रहा, घर बनने में भी बहुत पैसा खर्च हो गया तो कहाँ से लाएंगे मेरे पापा इतना, तो बस उसके चलते एकदम गुस्सा आ गया, एकदम सांस भी ऐसे ही गुस्साए हुए एकदम, मतलब उन लोग दहेज के प्रति बहुत ही ज़्यादा एकदम कहते हैं ना पैसा का भूख है उस टाइप से है लोग पूरा। जमीन बेच के हम शादी किए, पापा एकदम जितना हो सके जमीन बेच के शादी की है और अभी ऐसा इन लोग थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि हाँ कोई अपना तो दहेज को लेकर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। दहेज को लेकर ही प्रताड़ित किया जा रहा है। सुबह से बैठे हुए और सुबह से अभी तक बैठे हुए हैं, भूखे प्यास से बैठे हुए, कुछ भी नहीं खाए हैं ना, मतलब प्यास भी लग रहा है। दो बार घर से निकाल दिया गया घर से निकाल दिया नहीं नहीं यहाँ जब पर बुलाया यहाँ हर चीज़ के बाद। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है अपना? मैं क्या आपका लोन कौन जिला? नवादा जिला फिर अल्लाह ब्लॉक। अरे वो बोल रहे देखिए जरा देखिए क्या कारण है आप लोग दरवाजा पर बैठे हुए हैं। हमारी बेटी के साथ जुलाई का शादी हुआ था, 7 जुलाई का, 2 महीना रही, लड़का को 4 बार 5 बार कॉल किए, लड़का आया था यहाँ 2-3-4 दिन रहा, उसके बाद सब मिला के लड़का 10-11 दिन रहा, मगर वो लड़का ले गया नहीं। 2-3 बार कॉल करके यहाँ से बोले हमको ले जाइए, रोती तो कहती है कि नहीं तुमको यहीं रहना है, नहीं ले गया वहाँ अथी भी नहीं ले गया वहाँ। कारण क्या है नहीं ले जाने का? नहीं ले जाने के कारण वहाँ बोलता है कि अथी नहीं लिए, रूम नहीं लिए, फ्लैट नहीं लिए, वहाँ फोन पर कहती है फ्लैट नहीं लिए। दहेज का क्या मामला? दहेज के लिए वो पलंग उलंग मांग किए थे और बोले कि फोर व्हीलर मिलेगा तो हम ले जाएंगे, तो फोर व्हीलर नहीं दिए आप लोग, इसलिए बेटी को घर से बाहर हाँ है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरविंद कुमार बनवाल नाम। कहाँ से आए? लौन। हाँ लौन पलंग। हाँ लौन घर हुआ। पलंग देंगे तुम जमीन में सोओगी ना? नहीं नहीं देंगे तो पलंग में जमीन में सोओगी? लड़की से हाँ यार मामला गंभीर है।